What can fans expect from you this next fight? How much would you say you have improved, Ritu? तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फाइट में? बिल्कुल, जो मेरी ये फाइट है ये मेरी मतलब काफी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मतलब बहुत अच्छी फाइटर के साथ मेरी फाइट होने वाली है और उसका मतलब स्ट्राइकिंग मतलब उसका स्टैंडिंग गेम बहुत बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल मैं सभी से, जो मेरे फैन जो भी देखेंगे, मैं यही कहूँगी कि मतलब ये बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है, तो आप बिल्कुल इस मैच को इंजॉय करेंगे और मेरी इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे इस मैच में। ओके okay. So Tammy, she says that it's a very important fight in Ritu's career. It's going to be a milestone fight for her. And she's fighting an opponent who's really strong and her striking game has been very strong in the last few matches. Mm. So Ritu says that in this match, her fans will get to see her improvement in her playing style. And it's going to be an interesting watch for her. Yes, so being when her upcoming fight, her upcoming opponent is quite a tough one. Did she study B's previous fights, and what can she say about B as a fighter? What makes B a good fighter, in her opinion? Okay, did you question samjha aapko? Ji. बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बी एक मतलब बी के साथ मेरा मैच मतलब काफ़ी अच्छा होने वाला है और बी बहुत ही मतलब उसका एक्सपीरियंस जो है वो मेरे से ज़्यादा है और वो मतलब उसका स्टैंडिंग गेम है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल मैंने उसके मैच देखे हैं उसके, तो बिल्कुल मैंने उस चीज़ पे काम किया है और वो आप मैच में देखेंगे कि मतलब मतलब रेसलिंग हैवी पड़ती है या स्ट्राइकिंग हैवी पड़ती है। ओके ओके डन। सो टैमी शी सेज दैट बी यस ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट फाइटर बिकॉज़ शी इज मोर एक्सपीरियंस देन रितु एंड रितु हैज स्टडीड ऑल हर प्रीवियस मैचेस हर स्टैंडिंग गेम हैज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड शी सेज दैट यू नो इट विल बी अ ग्रेट वॉच फॉर फैंस टू फिगर इफ wrestling is stronger or the striking is something that gets an upper hand in this match. Did she identify any weaknesses in Bing Nguyen's game? Is there anything that Ritu feels she is better, as in Ritu is better than me? Okay. और तो ऐसा कोई उनकी weakness थी, खामियां थी जो आपको लगता है ना आप उनसे थोड़ा और ज्यादा अच्छी हो, या ऐसे दो तीन खामियां उनकी बताओ जो आपके लिए थोड़ा एडवांटेजियस हो सकता है? बिल्कुल, जो मुझे मतलब अपने रेसलिंग पे कॉन्फिडेंस है और मेरे रेसलिंग उससे बेटर है, तो बिल्कुल उसकी रेसलिंग इतनी बेटर नहीं है जो जितनी मेरी है, तो मुझे अपनी मेरी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस है, तो बिल्कुल मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम किया है। ओके, बट आपको क्यों लगता है रेसलिंग बेटर होगा ये मैच के लिए एंड रेसलिंग आपको यू नो जितवा सकता है? क्या आपको क्यों लगता है कि आपकी रेसलिंग आपको जितवा सकता है ये मैच में? वो रीजन चाहिए स्पेसिफिक रीजन। बिल्कुल, क्योंकि मैं टेक डाउन करके और फिर मतलब एक एज ए रेसलर, तो मैं अपना जो मेरी स्ट्रेंथ है जो मुझे रेसलिंग आती है, तो मैं उसको टेक डाउन करके वहाँ पे उसको फिनिश कर सकती हूँ, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस है। ओके ओके, सो शी थिंक्स दैट यू नो बीज वीकनेस इज दैट B's wrestling is not as strong. So Ritu's strength is going to be B's weakness, Tammy. She says that because of her wrestling history, she'll be able to take down on B more efficiently and effectively, and she'll be able to finish her off in the game. Amazing. Does she think that, you know, because Ritu obviously is really good at wrestling, does she think there's anyone out there who can handle her wrestling game? ओके, ऐसा कोई है जो आपका रेसलिंग गेम आपको लगता है हैंडल कर पाएगा रितु इन द एमएमए फ्रंट, राइट टैमी? यस। ओके, एमएमए में ऐसी कोई है रितु जो आपको रेसलिंग के हिसाब से भी टक्कर दे पाए,
कि आपकी स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रेंथ भी हो? मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे मेरे पर्सनली व्यू, मुझे नहीं लगता कि मेरी रेसलिंग को कोई उसका डिफेंस कोई कर पाएगा, तो मुझे अभी तक तो नहीं लगता कि एमएमए में और वन चैंपियनशिप में ऐसी कोई फाइटर है जो मुझे रेसलिंग में मुझे टक्कर दे। ओके, सो टैमी रितु वेरी अनबैशली सेज दैट यू नो हर रेसलिंग इज ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर एंड शी डज नॉट थिंक दैट यू नो देयर इज एनी फाइटर इन द वन फैमिली हु कैन इवन कम यू नो सॉर्ट ऑफ नेक टू नेक विद हर इन द गेम. रेसलिंग इज समथिंग दैट रितु थिंक्स इट्स रितुज गेम एंड रितु कैन टेक ऑन एनीवन दैट एंटर्स द सर्कल ऑर द रिंग. Great answer. So I just want to think, sorry, I would just want to ask her, how does she think B will approach this fight? You know, what does she think B is going to try in the circle? And how does Ritu plan to handle that? ओके ऋतु वो पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है बी किस तरीके से इसको अप्रोच करेगी और आप ये कैसे उसको यू नो टैकल करोगे, आप उसको उसके साथ कैसे काम करोगे, आपको क्या लगता है बी अपने हिसाब से कैसी स्ट्रैटेजी बनाया होगा ये फाइट के लिए? मैं ये नहीं सोचती कि मेरी अपोनेंट क्या करती क्या नहीं, तो मैं उसको कोई भी चांस नहीं दूंगी कि वो मेरे पे अटैक करे कुछ भी। तो मुझे जो करना है मैं वहां पे जाके मैं अपना वहां पे जाके अपना करूंगी, और मैं ये नहीं देखूंगी कि वो क्या करेगी। मैं उसको कोई भी चांस, कोई भी एक मोमेंट नहीं देना चाहती कि वो मेरे पे अटैक करे। ओके तो आप बोल रहे हो भले ही वो जो भी करे आपका गेम प्लान वही रहने वाला है भले ही वो क्या करे, करेक्ट? ओके सो टैमी शी सेज रितु डज नॉट रियली थिंक अबाउट द अप्रोच दैट द ओपोनेंट इज गोइंग टू टेक. ऑल दैट शी इज बॉदर्ड अबाउट इज हर अप्रोच टुवर्ड्स द गेम एंड वंस शी इज गॉट द गेम प्लान रेडी शी इज गॉट नथिंग टू वरी और नथिंग टू बी बॉदर्ड और यू नो नथिंग हैसल्स हर और वरीज हर इफ शी इज गॉट द गेम प्लान स्ट्रेट अहेड. Great answer also. So I think this question, I'll see if she wants to answer, but if she can, will be great. Because after facing B, she's gonna fight in the atom weight Grand Prix, right? So how does she handle, taking back to back fights? ओके तो रितु टैमी पूछ रही है बी के साथ लड़ने के बाद आपको एटम वेट ग्रैंड प्री में फाइट करना होगा, तो आप बैक टू बैक कैसे फाइट्स कर लेते हो, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक एथलीट होने के नाते एक एथलीट को, एक वॉरियर को हमेशा फाइट के लिए रेडी रहना चाहिए। तो बिल्कुल मैं हमेशा रेडी रहती हूँ कि चाहे मेरी फाइट अभी और उसके 4 वीक के बाद फिर से मेरी फाइट हो, तो मैं बिल्कुल उस चीज के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया है और एक एज ए वॉरियर मैं हमेशा रेडी हूँ। ओके So Tammy Ritu says that the timelines don't matter, but the preparedness does. And she's a warrior at heart, and an athlete has to be ready, no matter when to set the ball rolling. So Excellent. yes, she's ready at any hour of the day or the night to get into the circle and face off her opponent. Great. So she has been unbeaten so far. How has that boosted her confidence, and does it add more pressure, to win and perform? तो रितु वो पूछ रही है आप अभी तक अनबीटन रही हो तो वो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करता है और कहीं ना कहीं क्या आपको थोड़ा प्रेशर इसी कारण होता है कि आपको अच्छे से और अच्छा परफॉर्म करना है उस. मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि मैं प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेती, लेकिन कॉन्फिडेंस उस चीज से मुझे बिल्कुल आता है कि मैं अब तक अनबीटेड हूँ। और मैं यही चाहूंगी कि एमएमए में मेरा रिकॉर्ड अनबीटेड का ही रहे, तो बिल्कुल मैं उस चीज के लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ, और मेरा हार्ड वर्क ही मेरा कॉन्फिडेंस है। So Tammy, she says, of course, it's boosted her confidence. However, yes. Having said that, she says that she doesn't usually feel pressurized. She doesn't let anything bog her down, and she's been unbeaten so far. And she wants to maintain this track record for her future fights too. And hard work is her confidence, and she completely believes in it.
So her fellow countryman Arjun Bular is actually facing Brendan Vera, the one heavyweight champ in the main event of One Dangal. What does she think about that fight? And, you know, and of course, Arjun Bular as a fighter. Tammy, Arjun Bular, can you just repeat the question? I actually lost you midway. Arjun Bular, which is her fellow countryman from India, he is fighting in the main event against Brendan Vera for the title, the heavyweight title. So I just want to see if Ritu has, what Ritu thinks about that fight and also Arjun Bular as a fighter. Okay. So Ritu, वो कह रही है कि यू नो आपके देश से अर्जुन बुलार है जो ब्रैंडन वेरा से लड़ने वाला है अभी नेक्स्ट फाइट में एटम वेट में. सो आपका अर्जुन बुलार के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है अर्जुन बुलार? बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि मतलब ये बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है और बिल्कुल अर्जुन बुलर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल यही चाहूंगी कि वो मतलब इंडिया के लिए वो बेल्ट लेके आए. और क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद है तो बहुत सारे तो मैं यही कहूंगी कि वो मतलब अपना बेस्ट देकर और मतलब इंडिया के लिए वो बेल्ट लेके आए. ओके, और उसके स्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? क्या अर्जुन बुलार के स्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल मैं उसके मैच देखे तो वो मतलब काफी मतलब उसके मैच बिल्कुल क्लियर और क्लीन होते हैं, तो बिल्कुल मैं यही चाहूंगी कि वो अपनी स्ट्रेटजी अपना कर अपना गेम प्लान करके और वो बेल्ट जरूर जीते. सो यस टैमी शी सेज दैट इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग गेम एंड शी होप्स द बेल्ट कम्स बैक होम एंड शी इज seen some of Arjun's fights and she thinks that he's very clean, clear in the circle. So yes, she's hopeful that you know he lives up to a lot of expectations expectations on him from the countrymen. Great. So one last question before we go into rapid fire. How does she think this fight is gonna play out in the circle? Okay. तो आपको क्या लगता है ये फाइट सर्कल में कैसे होने वाला है? अर्जुन बुलर की और उनकी? टैमी, यू टॉकिंग अबाउट अर्जुन बुलर्स फाइट? नो, हर फाइट, सॉरी, हर फाइट, हर वर्सेस दी. अच्छा, आपका फाइट. बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि मतलब ये बहुत ही अच्छा रोमांचक मैच होने वाला है और सभी को काफी मतलब एंजॉय करेंगे इस मैच में. और मेरी कुछ मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज देखेंगे जो मतलब मेरी अपोनेंट जो मेरे वेट की कोई भी फाइटर मेरे से एक्सेप्ट नहीं करती, तो शायद वो चीज इस मैच में देखे. वो आप क्या बोल रहे हो, अपोनेंट एक्सेप्ट वापस बोल सकती हो? बिल्कुल मतलब मैं मतलब सभी को चौंकाने वाली हूँ, मतलब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड करने वाली हूँ. अरे वाह, ओके, ठीक है. शी सेज इट्स गोइंग टू बी एन एक्सिलरेटिंग वन एंड शी इज गोइंग टू समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस फाइट. सो शी कैन नॉट डाइवल्ज मच डिटेल्स बट शी सेज दैट नो वेट एंड वॉच फॉर रितु टू अनफोल्ड अ साइड ऑफ हर्स दैट शी हैजंट येट. Awesome. Quick rapid fire for her. If she has a rapid fire. Yeah, if she has a superpower, what would it be? If तो कोई superpower आपके पास होगा तो वो कौन सा होगा? मेरी wrestling. नहीं, superpower. वो तो आपका power already है. कोई superpower जैसे कि Mr. India के पास superpower था कि वो गायब हो सकता था, कहीं पे भी रह सकता था. नहीं पता. मेरे punch होंगे और क्या होंगे? Punch. Punch, okay. She says her punches are her superpower. Or Tammy, I'm trying to ask her, you know, iske does she have? So no I'm problem. Trying, yeah. I think she wants super punches. So, what's her favorite country to visit? Okay, Vidhu, favorite country aapka visit karne. अभी तक तो सिंगापुर ही है. She says Singapore has been her favorite destination so far. That's great. What's the one food she can't live without? ऐसा कोई खाना जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते हो? माँ के हाथ की चटनी रोटी. So sweet. Tammy, she says the chutney and roti. Roti is an Indian flatbread prepared by her mom.
mom's roti and chutney. Great. If she weren't a fighter, what would she be doing for a living? Okay. तो अगर आप fighter नहीं होते तो आप दूसरा कौन सा career आप choose करते या पैसे कैसे बनाते अगर fighter नहीं होते? अभी उस चीज के बारे में कभी पता ही नहीं, क्योंकि जब स्टार्टिंग बचपन में स्टार्टिंग से हमें रेसलिंग में डाल दिया था तो कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला कि क्या करते क्या नहीं. So Tammy, she says that you know she's never given that a serious thought because since the time she was born and since the time she's been a kid, she's been you know she's been pushed into wrestling. So she's never thought of anything apart from wrestling. So no parallel career that she's ever thought of. Yeah, fair. Outside of fighting, what's her hidden talent? Ritu, wrestling ke alawa aapka aisa kaun sa hidden talent hai? बिल्कुल मुझे मतलब सिंगिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन अरे वाह मुझे आते नहीं है बट मुझे पसंद है, वो मैं करती रहती हूँ. मैं नाते टाइम भी वार्म अप के टाइम पे मैं गाती रहती हूँ. अरे वाह. टैमी शी सेज दैट शी लाइक्स टू सिंग, ऑल्दो शी सेज दैट शी इज नॉट ग्रेट एट इट, बट शी कंप्लीटली एंजॉय सिंगिंग एंड शी कीप्स क्रूनिंग ऑल डे यू नो ड्यूरिंग हर रिहर्सल्स. While taking a shower, you'll always find her singing. That's awesome. Final question would be, what's the best compliment that she has ever received from anyone? Okay. ऐसा कौन सा best compliment है रितु जो आपको किसने कभी दिया है? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट टाइम मैंने रिंग में मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी पहली ट्रेनिंग थी तो उस टाइम कोच ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मतलब तेरे में मतलब वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली क्वालिटी है, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी मतलब मोटिवेट करती है और काफ़ी पुश करती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था. मतलब मिक्स मार्शल आर्ट की पहली ट्रेनिंग में कोच का वो कॉम्प्लीमेंट मिलना बिल्कुल बहुत मायने करता था ना. ओके, सो टैमी शी सेज दैट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट शी हैज गॉट इज व्हेन शी जस्ट एंटर्ड द मिक्स मार्शल आर्ट्स अरेना, हर कोच हैड टोल्ड हर दैट शी हैज गॉट इट नाउ टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इट्स डन वंडर्स फॉर हर बिकॉज़ इट्स बूस्टेड हर कंप्लीटली एंड इट्स एनकरेज्ड हर टू टू बी वेयर शी इज टुडे.